नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विवेक भारद्वाज। आप देख रहे हैं हमारा चैनल टेक्नोलॉजी विद विवेक, जहां हम मोबाइल और कंप्यूटर टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए काफ़ी सारे वीडियोस लेकर आते रहते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल सके। आइए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं और समग्र आईडी, समग्र पोर्टल की ओर लेकर चलते हैं आपको। दोस्तों, आपने अगर समग्र आईडी में जो है अपने परिवार के सदस्य को पंजीकृत किया है, जो कि यहाँ से किया जाता है, और अब एक नया इसमें नियम लागू हो गया है कि ये पंजीकरण जब होता है तो इसकी रिक्वेस्ट जो है जाती है, और ये जाती है आपके जो भी वार्ड की जो ग्राम पंचायत है उसके अंतर्गत, या आपके नगर पालिका है, निगम है, वहाँ पर जो है आपकी जानकारी जाती है और वहाँ से इसको अपडेट किया जाता है। तो दोस्तों, ये स्टेटस अगर पता करना है कि आपकी रिक्वेस्ट कहाँ है, किसको आपने जोड़ा है, किस तरीके से जोड़ा है, इसके लिए आपको करना क्या है, आप इसको ध्यान से देख लीजिए। यहाँ पर आप जैसे ही देखेंगे और ये जो आपको सारे ऑप्शंस देखने के लिए मिल रहे हैं, आप एक काम कीजिए, आप चलिए यहाँ पर परिवार आईडी द्वारा अनुरोध खोजें। तो आप जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे परिवार आईडी पर, तो क्योंकि परिवार के अंडर में ही सदस्यों को जोड़ा जाता है, तो हम यहाँ पर जो है परिवार आईडी डाल देते हैं। ये हमने परिवार आईडी डाल दी है। यहाँ पर कैप्चा फिल कर देते हैं, कैप्चा फिल जो है करने के बाद आपको ये देखिए नीचे देखने के लिए मिल रहा होगा, और ये अनुरोध आईडी बनी है, जिला है, निकाय है, पंचायत है, ये मेंबर किस फैमिली ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं ये लिखा है, ये नाम है, स्थिति दे रखी है, पेंडिंग है अप्रूवल के लिए, और ये वार्ड लिखा हुआ है, ये फिर से पूरा नाम लिखा है। अनुरोध दिनांक आप देख रहे होंगे, ये 6 तारीख को किया गया है रात्रि में, और यहाँ पर अभी आप देखेंगे तो अनुशंसा में अभी यहाँ पर कुछ भी नहीं दिया गया है, क्योंकि 2 दिन छुट्टी थी और आज इस पर काम नहीं किया गया है। तो हो सकता है मे बी 1-2 दिन में इसको फॉरवर्ड कर दिया जाए। वैसे कहा जाता है कि 24 से 48 घंटे के अंदर हो जाता है, मतलब 1 से 2 दिनों में, लेकिन आप यहाँ पर रिक्वेस्ट देख सकते हैं, और यहाँ पर अगर अप्रूवल हो जाएगा दोस्तों, तो फिर आप आसानी से जो है जाकर अपने जो कहते हैं सदस्य आईडी, अगर आप देखना चाहते हैं, आप वहाँ पर जाकर आप पूरी तरीके से देख पाएंगे कि क्या नाम जुड़ा है या नहीं जुड़ा है। और बहुत ही अच्छा तरीका है इसको, हम कह सकते हैं कि अगर आप जैसे यहाँ देखिए समग्र आईडी से जानकारी, समग्र परिवार सदस्य से जानकारी, और यहाँ क्लिक करने के बाद जो है मैं नेक्स्ट लिंक पर आपको बताता हूँ। ये जो बहुत सारे ऑप्शन आते हैं आप देख रहे हैं, यहाँ पर परिवार के समग्र की आईडी है, यहाँ क्लिक कीजिए, परिवार के समग्र आईडी पर आप यहाँ जान सकते हैं। तो आप जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे और आप यहाँ पर परिवार आईडी जब डालेंगे, तो परिवार आईडी डालने के बाद आप इस कैप्चा को फिल कीजिए। जैसे ही आप इस कैप्चा को फिल कर देंगे तो आपको जो है ये फैमिली कार्ड बनकर आ जाएगा, और यहाँ सेकंड नंबर पर वो नाम दिखने लगेगा जो अभी पेंडिंग में दिख रहा है, वो नाम जो है यहाँ पर आ जाएगा आसानी से। और जैसे ही यहाँ पर जुड़ जाता है तो उनका समग्र आईडी का नंबर यहाँ जनरेट हो जाएगा और वो आपके परिवार के सदस्य में दिखने लगेंगे। तो दोस्तों, ये बड़ा ही आसान सा प्रोसेस है, इस समग्र आईडी पोर्टल पर आप इसको जो है देख सकते हैं, कर सकते हैं, और बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है। इस वीडियो को शेयर कीजिए, उन सभी में शेयर कीजिए जो समग्र आईडी पर, समग्र पोर्टल पर सदस्य को जोड़ना चाहते हैं, चेक करना चाहते हैं उनका स्टेटस, और जुड़ा है या नहीं जुड़ा है उसको देखना चाहते हैं, तो इस वीडियो को आप उन तक शेयर कर सकते हैं। दोस्तों, मेरा नाम था विवेक भारद्वाज, थैंक यू।